हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रेलवे परीक्षा के लिए एक स्पेशल वीडियो, जनरल साइंस का टेस्ट। ये ऑनलाइन टेस्ट है आपका, जो कि आपको समझना है। रेलवे परीक्षा जो है आप ऑनलाइन दे रहे हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है। तो मतलब टोटल जो क्वेश्चन टोटल मार्क्स हुआ है 100 मार्क्स। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है। और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितना अचीव किया। यदि आप 10 में से 9 नंबर पा रहे हैं तो आपका बिल्कुल रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी है। 8 पा रहे हैं तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी है। 7 पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल 5 से 6-7 घंटे भी पढ़ने की ज़रूरत है। 5 से कम पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल दिन रात एक कर देना है आज से। तो आपको बिल्कुल देख लेना है कि आप कितने पानी में, आपको चेक करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले 10 सालों में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। और जो इस एग्ज़ाम है उसमें भी, आने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये क्विज बिल्कुल देनी है, इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रेलवे एग्ज़ाम के लिए ऐसी डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। रेलवे एग्ज़ाम के जीके और साइंस का आपकी तैयारी लगभग हो जाएगी। मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। और आपको साथ में कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करते जाना है साथ में, ठीक है। आपको टाइम दूंगा मैं। देख, पहला क्वेश्चन, एक गेंद को निर्वाध में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा। तो बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आपको ये आंसर बताना है। तो इसका आंसर बताएंगे फर्स्ट का, जल्दी जल्दी देखिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट का सी, 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड। तो आप लोग साथ में सॉल्व कर रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में आपको साथ में सॉल्व करते चलना है। फिर अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। तो आपके पास ऑप्शन है, धातुय सहसंयोजी आयनिक वाटर वंडर्स वॉल्स, बताइए इसका आंसर। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सही टिक कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजी, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुछ बीच में बंद करके नहीं जाना है, आपको साथ में सॉल्व करते चलना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, आपको राइट आंसर बताना है। मैजेंडा, श्वेत, पीला, रसायन, बताइए इसका राइट आंसर। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, पीला, ठीक है। लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का उत्तम तार निम्न में से किस धातु का बना होता है। फ्यूज का उत्तम तार निम्न में से किस धातु का बना होता है, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तांबा, टिनवा, सीसा, ठीक है। तांबा, टीना और शीशा का, फ्यूज का उत्तम तार किस धातु से बना होता है, तांबा, टीना और शीशा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5वें नंबर का, एसआई पद्धति का प्रचलन कब से है। एसआई पद्धति का प्रचलन कब से है, तो इसका राइट आंसर है 5 का सी, 1967 ईस्वी से, ठीक है, 1967 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों ने राइट कमेंट कर दिया होगा। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, 10^-15 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादक सर्वप्रथम किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में पूछा जाएगा, ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है, न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, अरस्तु, बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केपलर, ठीक है। ग्रहों के गति का नियम को प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, केपलर ने। अगला क्वेश्चन है, पुनः आवेशित होने वाली रिचार्जेबल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए 8 नंबर का। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा। तो 8 का आंसर है दोस्तों ए, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। पुनः आवेशित होने वाली यानी रिचार्जेबल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस को प्रदूषण नहीं होता। निम्नलिखित में किस गैस नहीं होता, बताएंगे इसका राइट आंसर। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गैस से प्रदूषण नहीं होता, नाइट्रोजन से। अगला क्वेश्चन है,
एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता, हवा की शक्ति तथा गति, द्रवों की श्यानता, ऊष्मा की मात्रा। बताइए इसका राइट आंसर, कमेंट करिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हवा की शक्ति तथा गति। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा की शक्ति तथा गति। तो चलिए, जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है कमेंट बॉक्स में बताएं आपके 100 में से कितने मार्क्स आपने अचीव किए, कितना आपके टोटल आ रहे हैं मार्क्स, ज़रूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, कल मैं जो है तो टॉप 10 जो हमारे स्टूडेंट्स ने कमेंट फटाफट किए होंगे उनका मैं कल नाम अनाउंस करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव किए उनका मैं कल नाम अनाउंस करूँगा, टॉप 10 स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट में बनाऊँगा। सभी लोग कमेंट करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी डेली वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।